ये क्या नाटक है, क्या क्या, क्या मजाक लगा रखा है आपने? मजाक? जिसकी किस्मत ने उसके साथ मजाक किया हो वो किसी और के साथ क्या मजाक करेगा मेरे महबूब? देखिए आप हमें ये महबूब वहबूब बार बार मत बोलिए। हम आपके कोई महबूब वहबूब नहीं है, हम आपको जानते तक नहीं है। ये आप क्या कह रहे हैं मेरे महबूब? हम उमराव हैं, आपकी उमराव जान। आपकी पहली पत्नी है हम। आप देखिए हमारी तरफ गौर से, पहचानिए हमें। ए औरत, तू जानती है तू के कह रहे से? अम्मी जान? अम्मी जान? अम्मी जान, हम बिल्कुल सच कह रहे हैं। इन्होंने इन्होंने निकाह किया है हमारे साथ। झूठ बोल रही है ये सासू अम्मी, है झूठ बोल रही है। ए औरत, साफ साफ बातें कर, दामाद सा ने थारे से शादी की है कि नहीं? अम्मी जान, ये बात उस वक्त की है जब जब मुगल सेना ने अवध पर हमला किया था। अवध के लोग हारने को तैयार ही नहीं थे तो मुगल सेना शहरों में घुस गई। बहुत भयानक युद्ध चल रहा था और ये हमें एक मस्जिद के पास पड़े मिले। बहुत चोट लगी थी इन्हें, खून बह रहा था, तो हम इन्हें उठाकर अपने घर ले गए। हमने इनकी मरहम पट्टी की और बस मरहम पट्टी करते करते कब प्यार हो गया पता ही नहीं चला। और फिर इन्होंने हमसे निकाह भी कर लिया। निकाह कर लिया? वाह वाह वाह, आपकी कहानी तो बड़ी शानदार है। यानी कि हमने आपसे निकाह किया और महीनों तक आपके साथ थे। अरे नहीं नहीं नहीं, महीनों नहीं, 48 दिन। यही बात, शायद आपको पता नहीं है लेकिन 16 साल की उम्र से हम बादशाह हैं। 48 घंटों के लिए अगर हम गायब हो जाएं तो अफरा तफरी मच जाती है, सब लोगों को पता चल जाता है। 48 दिनों तक हम कैसे गायब हो सकते हैं? देखिए एक बार आप इनसे भी मिल लीजिए, ये हमारे वजीर आजम हैं, पिछले 25 सालों से हमारे साथ हैं। वजीर आजम आप इन्हें बताइए, कभी इतने लंबे अरसे के लिए हम गायब हुए? राणा बलदेव, अब आप क्या कर रहे हैं, बताइए सच क्या है? जी 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 जी, जी मासा, ये सच कह रही हैं। लेकिन जहां पना इसे कैसे पता चला कि अवध की लड़ाई में आप 50 दिन गायब रहे? हम तो हैरान हैं। हम 50 दिनों के लिए गायब थे? जी जहां पना, लेकिन इस बात को हम और राजगुरु जानते थे, इस औरत को कैसे पता चला? अब 48 दिन तक हमारे साथ थे तो हमें तो पता होगा ही ना। जिनके साथ आपने 48 दिन गुजारे वो भूल सकती है क्या भला? हम कैसे मान ले कि आप जो कह रही हैं वो सच? आपके पास कोई सबूत है कि जो आप कह रही हैं वो सच है? कोई निशानी है जो ये साबित करे? निशानी? इनकी तो सारी चीजें हमने आज तक संभाल कर रखी हैं। अभी दिखाते हैं। सैनिकों ले आइए। मेरे महबूब, ये खंजर याद है आपको? ये वही खंजर है जिससे आप हमें गुदगुदी किया करते थे। गुदगुदी खंजर से? और ये याद है आपको? इसे पहनकर बंदर की तरह यहाँ से भाग कूदकर आप हमें कितना हंसाते थे। बंदर कहीं का?
और ये वही खून से लथपथ कपड़े जिन्हें पहने हुए आप हमें पहली बार मस्जिद के पास मिले थे। लेकिन अगर ऐसा था तो आप 20 साल तक चुप क्यों रहे? हम चुप क्यों रहे? इन्होंने तो हमें कुछ नहीं बताया, कब चुपचाप वहां से चले गए हमें पता ही नहीं चला। हम तो ये भी नहीं जानते थे कि ये हैं कौन, इनका नाम क्या है, ये रहते कहां हैं। हमने कहां कहां नहीं ढूंढा इन्हें, किस किस कोने में इन्हें नहीं तलाशा। वो तो एक दिन एक चित्रकार के यहां इनकी तस्वीर दिख गई हमको। हमें तो तब पता चला कि ये बादशाह है। पहले तो हमें यकीन ही नहीं हुआ कि ये बादशाह है। मेरे महबूब, हमें ना तो आपकी ये शानो शौकत चाहिए, ना ही आपका तख्त तो ताज चाहिए। हमें तो बस आप अपना नाम दे दीजिए, हमें आपका नाम मिल जाएगा तो हम अपनी बाकी की जिंदगी सुकून से और इज्जत से गुजार सकेंगे। जापना, ये चालबाज औरत है, इस औरत को तो कैद खाने में डलवा देना चाहिए। मेरे महबूब। नहीं वजीर आजम, ये बात दीगर है कि हमें कुछ भी याद नहीं है, लेकिन इनके सबूतों को नकारा भी नहीं जा सकता। मेरे महबूब, आप हमें कुछ दिनों के लिए अपने साथ इस महल में रहने दें। हम आपके आसपास रहेंगे तो शायद आपको सब कुछ बहुत जल्द याद आ जाएगा। ठीक है, हम मोहम्मद जलालुद्दीन अकबर आपको हमारे इस महल में रहने की इजाजत देते हैं। शुक्रिया मेरे महबूब, शुक्रिया। तकलिया। जाइए आप, सब लोग जाइए, आप जाइए। बीरबल जरा सच्चाई का पता लगाइए, ये सब हो क्या रहा है। जा अपना, आप अपना ख्याल रखिए। बलदेव जी और आपकी सासू अम्मी बड़े नाराज होकर गए हैं आपसे। तो जाएं, जिसको भी नाराज होकर जाना है जाए, हमें क्या। अगर इज्जत बेइज्जती का ख्याल होता ना तो ऐसी हरकत आप कभी ना करते। यानी साहिबा, हमारा यकीन कीजिए, हमें कुछ भी याद नहीं है, बिल्कुल याद नहीं है। और कहां कहां गलतियां करके भूले हैं आप? जंग लड़ने जाते हो या ये सब करने जाते हो? हम जा रहे अपने मायके, हम एक पल यहां नहीं रुकेंगे। आप रहिए अपनी नई बेगम के साथ। मलिका हिंद, तू कहीं नहीं जाएगी। अरे हाँ सासू अम्मी, यही अच्छा कि आप आ गए। आप समझाइए ना इन्हें, ये बात हमारी मान ही नहीं रही है। अरे सच तो यही है, अगर ये चली जाएंगी तो इतने बड़े महल में हम अकेले रहेंगे कैसे, क्या करेंगे हम? अरे पगली, कुछ समझ से काम ले। यही तो दामाद सचावे से कि तू महल छोड़कर अपने मैके में जाकर बैठ जावे, ताकि ये इस महल में अपनी नई रानी के साथ, मेरी महबूब के साथ गुलछड़े उड़ावे। इसीलिए तो दामाद सा ने उस औरत को यही ठहराया उसे। अरे नहीं सलीम के अप्पू, आज तक आपने सिर्फ हमारा प्यार देखा, अब हमारी नफरत देखे। नफरत बीरबल, कुछ कीजिए। आपको जो खेल खेलना है खेलिए, आपको जो चाल चलनी है चलिए, बस हमें इन झमेलों से बचाइए किसी तरह।
जापाना, या तो ये औरत सच बोल रही है या फिर बहुत ही शातिर है। हमने इसके कमरे की तलाशी ली पर हमें ऐसा कुछ नहीं मिला जिसपे हमें शक हो सके। मेरे महबूब, मेरे महबूब, आपके कदमों की धूल, आपका थोड़ा सा वक्त चाहिए, हमें आपसे दो जरूरी बातें करनी है। हाँ हाँ, आप कहिए ना, बताइए, बोलिए। हमारी वजह से आपके जीवन में बहुत बड़ा तूफान आ गया है ना, इसलिए अब हम यहाँ नहीं रहना चाहते। हम आपको आपकी अमानत सौंपकर यहाँ से चले जाएंगे। नहीं नहीं, देखिए, आपको कोई अमानत सौंपने की भी जरूरत नहीं है। अरे, हम वो खंजर का क्या करेंगे, आपको गुदगुदी करने के काम आएगा। वो टोपी भी हमें नहीं चाहिए, आप ले जाइए। नहीं 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 नहीं, मेरे महबूब, आप गलत समझ रहे हैं। हम तो आपकी और हमारी प्यार की निशानी की बात कर रहे हैं। प्यार की निशानी मतलब? आपकी बेटी शाहीन। बेटी, आपने बताया नहीं कि हमारी एक बेटी, आपकी एक बेटी भी है, और आप अपने साथ उन्हें यहाँ क्यों नहीं ले आए? वो दरअसल शाहीन अपने अब्बा हुजूर से बहुत नाराज है। उसे लगता है कि आपने हमें और शाहीन को ना धोखा दिया है, इसलिए वो आपसे बात नहीं करना चाहती, आपसे मिलना ही नहीं चाहती। वो है कहाँ, कहाँ है वो? हाय मेरे मौला, अपनी बेटी से आपके मिलने की तड़प देखकर हमारा दिल बाग बाग हो रहा है। नहीं 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 नहीं, हम कुछ तड़प तड़प नहीं रहे हैं, हम ऐसे ही पूछ रहे हैं कि वो कहाँ है, कहाँ है। वो आपसे पैसे तो बहुत रूठी हुई है, पर हमने बहुत मिन्नतें की, इसलिए आपसे मिलने के लिए मान गई है। अभी बुलाते हैं शाहीन। तारुफ तो दो अपने अपने अपनों को। बंदी को शाहीन कहते हैं, मुगलिया खून है हम। अब्बा हुजूर, बचपन से आपको गले लगाने के लिए हम तरस गए थे। आप 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 बैठिए, आप बैठिए ना, बैठिए बैठिए आप। अब्बा हुजूर आप कितने खूबसूरत हैं, हम बिल्कुल आप ही भी गए हैं। मिलने से पहले हम आपसे बहुत गुस्सा थे, आपको मिलने के बाद हमारा सारा गुस्सा गायब हो गया। अब हम आपको छोड़ के कहीं नहीं जाएंगे, हम आपके साथ ही रहेंगे। अम्मी, पहुंच गए वासु। हमें शतरंज खेलना तो आ गया वासु, लेकिन हमारी समझ में एक चीज नहीं आई कि शतरंज में हाथी, घोड़ा, ऊंट, वजीर, बादशाह, सैनिक सब होते हैं, लेकिन शहजादा क्यों नहीं होता? मुझे बता सलीम भाई साहब, जो आदमी अपनी शतरंज की बाजी हार जाता है, फिर वो अपने शहजादे को बादशाह बनाकर उसके अगली बाजी खेलता है। दिमाग शहजादे, एक अजनबी रास्ता भटक गया है, पनाह चाहता है। शाही कौन है हम, भटके हुए लोगों को पनाह देना हमारी आदत है, भेजो उसे अंदर। जी हुजूर। बताइए कौन है आप?
हम विक्रमगढ़ के राजा विक्रम हैं। रास्ता भटक गए हैं, चलते चलते हमारे पाँव में छाले भी पड़ गए हैं। हमें 2 दिन का आसरा चाहिए। मुझे पता है आपको हमारे प्यार का आसरा चाहिए ना। प्यार के साथ साथ हमें छत का आसरा भी चाहिए। अगर आपके महल में 2 दिन रुकने की इजाजत मिल जाती तो बहुत मेहरबानी होगी। शाही खून है हम, मेहरबानी करना तो हमारी आदत है। हम आप पर अपने शाही महल में ठहरने की मेहरबानी करते हैं। शुक्रिया शहजादे। दरअसल हमारे साथ 3 घोड़े भी हैं। अगर आपके महल के अस्तबल में उन्हें भी खड़े करने की इजाजत मिल जाती तो बहुत बहुत मेहरबानी होगी। हाँ तो ठीक है। रुकिए सलीम भाई साहब, एक मेहरबानी आपने की, एक मेहरबानी मैं करूंगा। आप अपने उन 3 घोड़ों को हमारे महल के अस्तबल में रख सकते हैं। शुक्रिया। अरे आप आइए ना, बैठ। देखो बीरबल, हमें घुमा फिराकर बात करने की आदत नहीं है। हम ये कहने आए हैं कि हम चाहते हैं तुम हमारी बेटी शाहीन से निकाह कर लो। वैसे तो हमारी बेटी हिंदुस्तान की शहजादी है और तुम एक मामूली से दरबारी, पर हमें इंसान की बहुत अच्छी परख है। और वो हमारी सौतन का जो बेटा है सलीम, वो तो शाहीन से छोटा है, तो इसलिए तख्त ताज जो है वो तो हमारी बेटी शाहीन को ही मिलेगा। और जो भी शाहीन का शौहर होगा वो हिंदुस्तान का बादशाह बनेगा। हम गुस्ताखी माफी चाहते हैं, लेकिन हम आपको बता दें कि आपकी बेटी को देखते ही हमें उससे प्यार हो गया था। अगर आप हमें हिंदुस्तान का बादशाह ना बनाए तो भी कोई बात नहीं, हम आपकी बेटी से शादी करने के लिए तैयार हैं, क्योंकि उनसे हसीन, उनसे खूबसूरत लड़की हमने आज तक नहीं देखी। मुगलिया खून है हम। अम्मी जान, हाँ? हमें तो रिश्ता मंजूर है, लेकिन क्या अब्बा हुजूर इसकी मंजूरी देंगे? तुम उनकी चिंता मत करो शाहीन, हम उन्हें मना लेंगे। पर हम चाहते हैं कि उनसे बात करने से पहले तुम दोनों एक दूसरे को देख लो, समझ लो, परख लो। तुम दोनों यहां बैठकर गुफ्तगु करो, हम बाहर जाते हैं। तो हम जैसी खूबसूरत लड़की आपने आज तक नहीं देखी। मुगलिया खून है हम। अगर अब्बू हमारे रिश्ते के लिए मंजूर नहीं हुए तो जान जाएगी। अब्बा हुजूर की नहीं, हमारी, क्योंकि आपसे जुदा होकर अब हम इस दुनिया में जीना ही नहीं चाहते। सच बिरबल? मुझ शाहीन, सच मुझ। कितना और कितना दुख देंगे हमें। पहले तो हमारे महल में हमारी सौतन को लेकर आ गए और अब ये सौतन की बेटी हमारे सर पर नाचने आ गई है। मेरे महबूब ने हमने इनको नहीं बुलाया। हाँ हमने बुलाया आपको। नहीं नहीं, हमने नहीं बुलाया, अपने आप खुद ही आई हैं। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई चुड़ैल हमारे कमरे में आने की? ये कमरा तो मेरे महबूब का है ना, और इनकी पहली बीवी हम है, तो यहाँ आने का पहला हक हमारा हुआ। सलीम के अब्बू, इसे कह दीजिए ये हमारे कमरे से बाहर चली जाए,
वरना चाहेंगे अबू, कह दीजिए इनसे ये दूसरी बीवी है, अपनी हद में रहें। तू हमें हमारी हद बताएगी? हम तो क्या कर रही हैं आप? अरे अरे नहीं 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 नहीं, देख देख ये आप ऐसे नहीं कर सकती, आप ऐसे नहीं कर सकती। नहीं रुक जाइए। अरे नीचे रुकिए, ये क्या कर रहे हैं आप लोग? अरे तलवारों से, तलवार नीचे कीजिए, नीचे कीजिए तलवार। अरे जुबान से बात कीजिए ना। सलीम के अब्बू लातों के भूत बातों से नहीं मानते। शाहीन के अब्बू आप ना बीच में से हट जाइए, अब हम नहीं छोड़ेंगे। नहीं आप बीच में बिल्कुल मत बोलिए, बिल्कुल ठहरो। मीजान आप, माता रानी की कसम, अगर ये तलवार धन्ने गुड़िया रानी पर इस महल के चौखट के बाहर उठाई होती, महारानी दुर्गावती तेरे टुकड़े टुकड़े कर देती। मगर हम राजपुतानियां हैं, हम मेहमानों पर हमला ना करें। चली जाए यहां से। मेरे महबूब मम्मी जान, जाओ यहां से। महबूब की बच्ची हम हाँ ऐसे थोड़ी। आप कहां जा रहे हैं? महारानी दुर्गावती ने आपसे बात करने से, रुको यहीं। हमें थोड़ा जरा सी प्यास लग रही है, हम पानी पी कर आते हैं। दाना पानी अठे मलियो, रुको। कैसे हो तुम लोग? हम ठीक है जनाब। अभी तक हम योजना के अनुसार चल रहे हैं। अकबर की हत्या के बाद भागने के लिए हम तीन घोड़े भी अपने साथ लाए हैं। हमने पाली वाले से बात कर ली हुजूर। पूरनमासी की रात अकबर के कमरे के बाहर पहरेदारी की पाली हमारी है। शाबाश, बहुत प्रयास करने के बाद 20 साल में पहली बार हम अकबर के इतना करीब पहुंचे हैं। फूक फूक कर कदम रखना। पूरनमासी की रात अकबर की जिंदगी की आखिरी रात होगी। आमीन।